दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी गूगल सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं दो तरीके बताने वाला हूं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तरीके में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे कि आप इस सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर आपको लॉन्ग टैप करना है और फिर इसके बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, आपको नॉर्मली इस पर क्लिक कर देना है और ये हिस्ट्री यहाँ से डिलीट हो जाएगी। लेकिन ऐसे में प्रॉब्लम ये आती है कि आपको इसे एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा, तो दूसरे ऑप्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे इकट्ठे कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब दूसरे ऑप्शन के लिए आपको कुछ भी सर्च कर लेना है, जैसे कि मैं ये सर्च कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे 5 ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको, इनमें से आपको मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से सर्च एक्टिविटी पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी सारी हिस्ट्री शो हो रही है, आपको इस डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे अगर आप लास्ट आवर में जो आपने सर्च किया है उसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन अगर आपको लास्ट डे में जो आपने सर्च किया था उसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आपको सारी हिस्ट्री डिलीट करनी है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और थोड़ा सा वेट करना है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ से इमेज डिलीट करनी है तो आपको इस ऑप्शन पर टिक मार्क कर देना है, और अगर आप न्यूज़ डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इस पर भी टिक मार्क कर देना है, या फिर आपने जो भी सर्च किया है वो डिलीट करना चाहते हैं या फिर वीडियोस डिलीट करना चाहते हैं तो इन पर आपको टिक मार्क कर देना है एंड देन यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स मैं हिस्ट्री डिलीट नहीं करना चाहता इसलिए मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ये वीडियो मैंने आपको बताने के लिए बनाई थी कि आप सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों यहीं तक थी ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और इसी तरह की और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।